Hello everybody, welcome to this new lecture in the quantum mechanics series. Quantum mechanics में हम perturbation theory deal कर रहे थे time independent case, और उसमें हमने first और second order perturbation calculate कर लिए थे, पर वो non-degenerate case के लिए था. आज हम degenerate case की बात करते हैं इस lecture में. Situation क्या है जो अभी तक हमने deal की, वो ये है जो unperturbed system है, symbolically मैंने ऐसे express किया है, उसके जो cats हैं या states हैं, 1-0, 2-0, first state, second state, third state, सम nth स्टेट एन नॉट अनपर्टर्ब्ड स्टेट और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई एन जीरो. या बेटर है हम एनर्जी के टर्म्स में बात करें, अनपर्टर्ब्ड एनर्जीज ई वन जीरो, इसके करस्पॉन्डिंग केवल एक कैट है, 1-0, एक स्टेट, एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक स्टेट. ई टू जीरो के करस्पॉन्डिंग एक अनपर्टर्ब्ड स्टेट 2-0, ऐसी ई एन जीरो के करस्पॉन्डिंग एक अनपर्टर्ब्ड स्टेट एन नॉट. और जब हमने पर्टर्बेशन अप्लाई किया तो ये जो स्टेट है जिसकी एनर्जी ई एन नॉट थी, दिस शिफ्ट टू सम अनदर वैल्यू ई एन और करस्पॉन्डिंग कैट भी हमारा चेंज हो जाता है एन. और से हम फर्स्ट ऑर्डर तक ही करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन डिजनरेट केस में. तो फर्स्ट ऑर्डर तक फिर हमने कैलकुलेट किया, अच्छा एनर्जी का चेंज कितना है, ओरिजिनल एनर्जी ई एन नॉट थी तो उसमें थोड़ा करेक्शन लैम्डा ई एन वन, लैम्डा लास्ट में हम वन रख देते हैं ऑर्डर ऑफ पर्टर्बेशन. तो ये और ई एन वन हमने कैलकुलेट कर रखा है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी में, दिस कम्स आउट टू बी एच डैश एन एन, जहाँ एच डैश हमारा पर्टर्बेशन है हैमिल्टोनियन है और एच डैश एन एन बेसिकली ये है अनपर्टर्ब्ड एनथ स्टेट के बीच में उस पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स एलिमेंट एनथ और एनथ स्टेट अनपर्टर्ब्ड वाली, उसके बीच में एच डैश को स्क्वीज करके वो इंटीग्रल इवेलुएट करें. ओके अच्छा, और जो कैट का करेक्शन होता है एन नॉट प्लस एन वन, एन वन का करेक्शन हमने ऑप्टेन किया था. एन वन का करेक्शन ऑप्टेन करने के लिए हम एन वन को जो ओरिजिनल हमारा बेसिस है, ये बेसिस जो है 1-0, 2-0, 3-0, up to 1-0, ये बेसिस एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है. तो इस बेसिस में हमने एन वन का एक्सपेंशन किया, उसमें हमें कोफिशियंट्स मिले, एक्सपेंशन कोफिशियंट सी, वो एक्सपेंशन कोफिशियंट्स के टर्म में ये डिटर्मिन होता है. उसके अलावा एक खुद वाला जो मिक्सिंग कोफिशियंट है वो डिटर्मिन हमने नॉर्मलाइजेशन से किया, जो कि आइटा अल्फा टाइप का आता है दिस. तो ये हमने, ये अभी तक जो हमने किया वो ये है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन की बात कर रहा हूँ. अब माना हम एक डिजनरेसी का एक एग्जाम्पल लेके करूँगा मैं इसे, ठीक है, जनरल केस के लिए, फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा उसी रिजल्ट को. आपके पास माना किसी सिस्टम में टू फोल्ड डिजनरेसी है, क्या मतलब है इसका, मैं एनथ लेवल की बात कर रहा हूँ से फर्स्ट लेवल, बाकी लेवल्स को मैं अनपर्टर्ब मान लेता हूँ, वो भी हो सकते हैं पर्टर्ब, वो भी वो डिजनरेट हो सकते हैं, बट उनका केस आएगा तो उनको उस तरह से डील करेंगे. से माना ई वन जीरो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक स्टेट है, ई टू के करस्पॉन्डिंग एक स्टेट है, 1-0, 2-0, इनको हम कहेंगे ये नॉन डिजनरेट स्टेट्स हैं, एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन, एक कैट, एक स्टेट. लेकिन माना ये जो एनर्जी लेवल है ई एन जीरो, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास दो कैट्स हैं. आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, एक कैट एन नॉट और एक कैपिटल कैपिटल एन नॉट है, ठीक है, दोनों को मैंने सिंबल सेम यूज़ किया, एक को स्मॉल एक को कैपिटल, दो अलग अलग हैं, स्टेट्स अलग अलग हैं, वेव फंक्शन अलग अलग है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है दोनों की, सेम है. बल्कि मैं आगे से शायद ई एन कैपिटल वाला नहीं लिखूंगा एनर्जी में, ई एन जीरो. तो यू मस्ट रियलाइज एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा स्टेट्स होना, यही डिजनरेसी है. तो इस समय इस लेवल की जो डिजनरेसी है, इस एनर्जी लेवल की डिजनरेसी टू फोल्ड है. हम ऐसे दो वेव फंक्शन के दो स्टेट, दो कैट्स लिख सकते हैं जिनके लिए एनर्जी का आंसर क्या बनेगा, सेम. फॉर एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो हमने डील किया है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन डिपेंड करता है साई एन एल एम, तीन क्वांटम नंबर्स पे, लेकिन एनर्जी केवल डिपेंड करती है एन पे. माना आप ग्राउंड स्टेट की बात करें एन इक्वल टू वन, तो एन इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग तो एल और एम की एक ही चॉइस बनती है, जीरो और जीरो. तो इस एनर्जी के लिए ई वन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग केवल एक वेव फंक्शन होता है, लेकिन आप एन बराबर टू ले लें, मतलब ई टू लेवल जिसे हम ऐसे दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन का लोएस्ट लेवल 13.6 -3.4 वाला अगला लेवल, इसके करस्पॉन्डिंग आप चार अलग अलग वेव फंक्शंस लिख सकते हैं, चार अलग अलग स्टेट्स ऐसी हैं जिनके लिए एनर्जी की वैल्यू ई टू होती है. कौन कौन से, साई 200, साई 210, साई 21+1, साई 21-1. ये एन एल और एम की वैल्यूज़ को मैंने लिस्ट किया है. आप इन चारों का वेव फंक्शन लिखेंगे, इन चारों का वेव फंक्शन अलग अलग होगा. बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे फीचर्स इन स्टेट्स के लिए अलग अलग होंगे. किसी जनरल वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलग अलग होगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अलग अलग हो सकती है. हो सकती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी कुछ स्टेट्स में कुछ पैरामीटर्स, कुछ चीज़ों की वैल्यू सेम हो सकती है, बट इन जनरल सबके लिए सारी चीज़ें बराबर नहीं होंगी. तो ये चार अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन जहाँ तक एनर्जी की बात आती है, इन चारों की एनर्जी सेम है. तो इस समय आप बोलेंगे हाइड्रोजन का सेकेंड लेवल कितना है, फोर फोल्ड डीजनरेट है. जैसे चार फोल्ड कागज़ के आपने चार तह बनाई और एक के ऊपर एक रख दिया, तो एक्चुअली वहाँ चार कागज चिपके हुए हैं, चार स्टेट्स हैं, तो फोर फोल्ड डीजनरेसी. तो ऐसे ही हम यहाँ पे टू फोल्ड डिजनरेसी का एग्जांपल लेके मैं आगे बढ़ूंगा. इन जनरल हम डी फोल्ड डिजनरेसी वहाँ से डील कर सकते हैं. तो अब
क्या जो ये हमने रिजल्ट निकाला ये वर्क करेगा जो हमने नॉन डिजेनरेट केस के लिए, जहाँ पे हमने डिजेनरेसी का ध्यान ही नहीं रखा था। आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या ऐसा होगा कि ये हैं स्टार्टिंग स्टेट्स। अब ये भी एक सवाल आएगा पर से सिंबॉलिकली, अगर पर्टर्बेशन हुआ तो क्या सिस्टम की एनर्जी EN जीरो से EN और कैट, अब जो पुराने N नॉट और कैपिटल N नॉट थे, क्या वो सम N और सम कैपिटल N में कन्वर्ट हो जाएंगे? सवाल यही है। और क्या EN को मैं अगेन EN नॉट पुरानी एनर्जी प्लस एक करेक्शन की टर्म तरह लिख सकता हूँ, और इस करेक्शन का फॉर्मूला क्या यही वाला काम करेगा H-NN? ये H-NN फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, इसको ये अभी आगे एक्सप्लेनेशन में आएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली ट्रिक यहाँ काम नहीं करने वाली। जो फॉर्मूलिज्म हमने पिछले केस में किया है वो सीधा सीधा यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है। उसका रीज़न ये है, माना आप इस N1 कैट का करेक्शन ही देख लीजिए, आप सोचें यहाँ भी हमें इसी तरह के करेक्शंस मिलेंगे, स्मॉल n कैट नया वाला बराबर पुराना n नॉट प्लस उसमें करेक्शन, और कैपिटल n नया वाला बराबर पुराना कैपिटल n नॉट प्लस एक ये दिस इज इक्वल टू कैपिटल n नॉट प्लस सम करेक्शन टर्म कैपिटल n1, और कैपिटल n1 को हम और कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में उसके एक्सपेंशन कोफिशियंट्स निकाल लेंगे और काम हो जाएगा। आप जरा एक्सपेंशन कोफिशियंट्स को क्लियरली देखिए, एक्सपेंशन कोफिशियंट्स किस तरह के होते हैं, वो आइटा अल्फा वाले को छोड़ के EM0 माइनस EN0 टाइप के, मतलब एक स्टेट में से दूसरी स्टेट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इस स्टेट के लिए अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये भी तो एक अदर स्टेट बनेगी किसी टाइम, बाकी स्टेट्स भी अदर स्टेट्स हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, वो अदर स्टेट्स हैं। लेकिन जब आप इस स्टेट के लिए कैलकुलेशन करेंगे कैट का करेक्शन, कैट का करेक्शन मतलब ये, तो एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो आएंगे उसमें एक डिनोमीटर आपका EN0 माइनस EN0 भी आएगा। नॉर्मली वो EM0 माइनस EN0 वन स्टेट और अदर स्टेट, लेकिन यहाँ पे ये वन स्टेट है और ये अदर स्टेट है, तो लेकिन दोनों की एनर्जी बराबर है। तो जब आप एनर्जी का डिफरेंस डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आपके जीरो आएगा, द आंसर ब्लोज अप। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके दिस। अच्छा तो अब इससे डील कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं अगेन आपको रिमाइंड कराऊंगा ऑर्थोनॉर्मैलिटी। जो हमारा जो कैट्स हैं वहाँ पे हमने ये वाला रिलेशन यूज़ किया था कि अनपर्टर्ब्ड mth और nth वाला जो कैट है उनका इनर प्रोडक्ट डेल्टा mn के बराबर होता है। m और n सेम होंगे तो 1 मिलेगा और m और n अलग अलग होंगे तो हमें 0 मिलेगा, ओके। नॉन डिजेनरेट केस में इसका सेंस क्या है, अगर हम हिल्बर्ट स्पेस के टर्म्स में सोचें, वेक्टर स्पेस के टर्म्स में सोचें, तो ये जो अलग अलग कैट्स हैं 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4 नॉट, ये सब आपस में 90 डिग्री पे हैं, ऑर्थोगोनल का सेंस वही है, ठीक है। अगर आप सिंपल ज्योमेट्री से उसे कंपेयर करना चाहें, ऑर्थोगोनल मीन्स बीइंग एट 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो। ये जिसे हम इनर प्रोडक्ट कह रहे हैं ये ज्योमेट्री का जो हमारा ऑर्डिनरी डॉट प्रोडक्ट होता है उसी का जनरलाइजेशन है। तो ये अब मैंने केवल यहाँ पे 3 एक्सेस दिखाई हैं, आपको हायर डायमेंशनल स्पेस इमेजिन करना है जहाँ बहुत सारी एक्सेस हैं, एक एक्सेस 1 नॉट है और एक एक्सेस 2 नॉट है और एक एक्सेस 3 नॉट है और एक एक्सेस 4 नॉट है और n नॉट। तो जितना भी हमारे कैट्स हैं वो सब के सब आपस में क्या हैं, ऑर्थोगोनल, और 1 नॉट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी EN0 और 2 नॉट के करस्पॉन्डिंग दिस। ये नॉन डिजेनरेट केस की बात कर रहा हूँ, लेकिन डिजेनरेट केस में क्या हो रहा है। अब मैंने डिजेनरेट केस में ये जो दो स्टेट्स थी, मैं टू फोल्ड डिजेनरेसी की बात करूँगा, एक एन नॉट और एक कैपिटल एन नॉट, ये वाली स्टेट्स माना ये हैं, ये एन नॉट और ये कैपिटल एन नॉट। पहले तो अभी सवाल ये भी आएगा क्या इन दोनों को आपस में 90 डिग्री पे दिखाना इनिशियल से ही ठीक है, लेकिन क्योंकि ये 90 डिग्री ये ऑर्थोगोनल क्यों होते हैं, ये हमने एक थ्योरम प्रूव कर रखी है। इन जनरल वो किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए होती है कि हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ रियल होती हैं, उस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। और दूसरा पार्ट उसमें ये होता है, अलग अलग आइगन वैल्यू, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग के जो आइगन वेक्टर्स या आइगन कैट्स होते हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ये जो रिलेशन आ रहा है कि एम और एन सेम नहीं है, तो ये गारंटीड है अगर आप हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हैं। ये एम नॉट और एन नॉट क्या हैं, हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस हैं, आइगन कैट्स हैं, हैमिल्टोनियन हर्मिशियन होता है, तो वो वाली थ्योरम यहाँ अप्लाई होती है। थ्योरम का रिजल्ट क्या है, अलग अलग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ वाले कैट्स आपस में क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल होंगे ही होंगे। तो यहाँ डीजनरेसी नहीं थी, E10, E20, E30 सारी एनर्जी वैल्यू अलग अलग थी और एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग केवल एक कैट था। तो किसी भी दो अलग अलग कैट्स का आप इनर प्रोडक्ट लें तो वो जीरो बनेगा क्योंकि आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, अलग। लेकिन इस समय सिचुएशन क्या है, माना ये दो कैट्स हैं एन नॉट और कैपिटल एन नॉट, मैंने इन्हें यहाँ 90 डिग्री पे दिखा तो दिया, पॉसिबली मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, बट स्टिल मैं इसे जस्टिफाई करूँगा, ऐसा हम कर सकते हैं। एन नॉट और एन नॉट, इन दोनों की एनर्जी आइगन वैल्यू सेम है, इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू भी ई एन नॉट है और इसकी ई एन कैपिटल वाला है, लेकिन ये दोनों एनर्जी क्या है, बराबर है। और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को मैंने बोल्ड इसलिए कर रखा है, यहाँ बाकी सारे जितने कैट्स हैं, बाकी
जो जिनकी एनर्जी वैल्यू इनसे डिफरेंट है, ये वाला फिगर आप देखिए, E10, E20, E30 वगैरह अलग है, केवल EN0 और कैपिटल EN0 ये बराबर है, E कैपिटल N0 ये बराबर है, दो इस लेवल पे डिजेनरेसी है माना केवल। तो ये दो जो डिजेनरेट वाले कैट्स हैं वो ये हो गए, और बाकी सारे कैट्स इस एरो के अंदर है। अब थ्री डायमेंशन में मैं तीन से ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं दिखा सकता हूँ, तो समेशन करके मैंने दिखाने की कोशिश की है, बाकी सारी जितनी डायरेक्शंस हैं वो यहाँ कंटेंट है। इनफैक्ट ये सारी डायरेक्शंस एक ही नहीं है, ये भी आपस में ऑर्थोगोनल है, बट दिस इज अ वे ऑफ शोइंग। यहाँ बाकी सारी डायरेक्शन के लिए एनर्जी वैल्यू क्या है, किसी के लिए E10, किसी के लिए E20, किसी के लिए E30, किसी के लिए E40, वो वैल्यूज़ इन वैल्यू से अलग है। तो वो जो हमारी थ्योरम है जनरल, वो ये तो गारंटी करती है कि इसका इसके साथ भी एंगल 90 होगा और इसका इसके साथ भी एंगल 90 मतलब ऑर्थोगोनल, जो इस करस्पॉन्डिंग कैट है 10 वाला भी N0 के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा और 10 वाला कैपिटल N0 के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा, और ऐसी 20 वाला भी इसके साथ भी ऑर्थोगोनल होगा और इसके साथ भी, और 30 वाला भी और 40 वाला भी और 50 वाला भी। लेकिन अभी सवाल ये बचता है, उस थ्योरम में ऐसा रिजल्ट कहीं नहीं आता है कि अगर आइगन वैल्यू सेम होती हैं तब क्या स्टेट्स ऑर्थोगोनल होती हैं। तो इनफैक्ट मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए था इन दोनों को आपस में ऑर्थोगोनल, ओके दिस आर दीज, लेकिन लास्ट में मैं इसे जस्टिफाई करूंगा अभी, ओके। अच्छा अभी एक छोटा सा रिजल्ट देखते हैं, अगेन डिजेनरेसी से रिलेटेड रिजल्ट है, आप मैट्रिसेस का एग्जांपल सोच सकते हैं, ठीक है। माना ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने उसका एक आइगन वेक्टर ढूंढ लिया x1 और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा है, ओके। ए के हो सकता है बहुत सारे आइगन वेक्टर्स हों, अगर वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इन जनरल उसके n आइगन वेक्टर्स होंगे जो इस फॉर्म के होंगे, AxN=λnxn, AX1=λ1x1, AX2=λ2x2, अलग अलग आइगन वेक्टर्स, अलग अलग आइगन वैल्यूज। लेकिन माना दो आइगन वेक्टर्स के लिए आइगन वैल्यू सेम है, मैंने यहाँ पे λ1 और λ2 नहीं लिखा है, दोनों जगह आइगन वैल्यू माना λ है, x1 के लिए भी x2 के लिए भी, x1 x2 अलग हैं लेकिन आइगन वैल्यू क्या है सेम। इसको हम टू फोल्ड डिजेनरेसी कहेंगे, इस समय दो आइगन वेक्टर्स ऐसे, दो स्टेट्स ऐसी जिनके लिए आइगन वैल्यू क्या है सेम। अच्छा तो अब मैंने क्या किया, x1 और x2 का लीनियर सुपरपोजिशन लिया, x1 टाइम्स सम कांस्टेंट a प्लस x2 टाइम्स सम कांस्टेंट a, ये कांस्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स में इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इनका सुपरपोज करके मैंने एक नया x बनाया, मैंने उसका नाम ही x SUP फॉर सुपरपोजिशन। x1 और x2 दो आइगन वेक्टर्स हमने निकाले जो कि डीजनरेट हैं और उनका सुपरपोजिशन कर दिया। इस सुपरपोजिशन पे अगर मैं a मैट्रिक्स को ऑपरेट करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मिलता है, a x सुपरपोजिशन, x सुपरपोजिशन बाय डेफिनेशन इतना है, a कांस्टेंट है तो फर्स्ट टर्म में बाहर आ गया तो AX1 बचा, सेकंड टर्म में b बाहर आ गया AX2, और ये जो रिलेशंस हैं AX1 बराबर λX1 है और AX2 बराबर λX2, दोनों जगह ये लैम्डा सेम होने के कारण इस लैम्डा को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचा AX1 प्लस BX2, और AX1 प्लस BX2 क्या है, फिर से ये सुपरपोज्ड वाला जो आपने वेक्टर बनाया था अपनी मर्जी से बनाया था, ये आइगन वेक्टर्स तो आपको सॉल्व करके मिले माना, लेकिन आपने इनको सुपरपोज करके एक आइगन वेक्टर खुद बना दिया। एक क्या, ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं क्योंकि ए और बी को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो आपको ये पता लग रहा है ये जो सुपरपोज्ड वाला आइगन वेक्टर है ये भी एक आइगन वेक्टर होगा, ए एक्स सुपरपोज पे एक्ट कर रहा है तो लैम्डा टाइम्स एक्स सुपरपोज तो वापस मिल रहा है, ये फिर से एक्स सुपरपोज। अगर x1 और x2 दो आइगन वेक्टर्स हैं बशर्ते उनकी आइगन वैल्यू सेम हो, तो उनका कोई भी लीनियर सुपरपोजिशन आप लेंगे तो वो भी उसी आइगन वैल्यू के साथ फिर से एक आइगन वेक्टर बनेगा जी। एनी लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ x1 एंड x2 डीजनरेट स्टेट्स या आइगन वेक्टर्स जो हैं उनका अगर लीनियर सुपरपोजिशन लें तो वो भी एक आइगन वेक्टर बनेगा विद द सेम आइगन वैल्यू। यहाँ पे ये सिंपल प्रूफ में ये टू फोल्ड डीजनरेसी के लिए है। अगर एक x3 भी होता, AX3=λX3 जिसके लिए आइगन वैल्यू सेम होती, तो इस मिक्सिंग में, इस सुपरपोजिशन में अगर आप C×X3 भी ऐड कर देते तभी भी ये रिजल्ट होल्ड करता। मतलब जो स्टेट्स क्वांटम मैकेनिक्स के लैंग्वेज में कहूँ, जो स्टेट्स डीजनरेट होती हैं, ये फॉर एग्जांपल हम अपने एग्जांपल में ये, तो इन दोनों का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूँ, अल्फा टाइम्स दिस प्लस बीटा टाइम्स दिस भी एक स्टेट होगी, वो स्टेट भी उस हैमिल्टोनियन के लिए, उस अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के लिए एक आइगन स्टेट होगी और उसके लिए भी एनर्जी की वैल्यू इतनी होगी। ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, कोई सा भी बोलो, उस मिक्स स्टेट कौन सी, अल्फा टाइम्स N0 प्लस अल्फा टाइम्स कैपिटल N0, वो भी एक आइगन स्टेट बनेगी, ओके दिस। अच्छा और थ्योरम जो है, मैं थ्योरम के रिजल्ट को यहाँ पे फिर वो करना चाहूँगा, जो हर्मिशन ऑपरेटर्स के लिए हमारा थ्योरम का रिजल्ट है, वो ये कह रहा है,
माना सिचुएशन यह है इस एग्जांपल में आप सोचें केवल एक्स वन और एक्स टू स्टेट डीजनरेट हैं और बाकी सारी स्टेट्स की एनर्जी उनसे अलग है, लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यू अलग है, तो इसका मतलब बाकी जितने आइगन वैक्टर्स हैं एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स बाकी जहाँ तक पॉसिबल हैं वो सब एक्स वन और एक्स टू के परपेंडिकुलर होंगे, आइगन वैक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे, और खुद एक्स वन और एक्स टू का रिलेशन क्या है ये हमें पता करना है। ये यही फिगर पे मैं आता हूँ, आप इन लाइंस की के आपस में ऑर्थोगोनलिटी की बात नहीं कर सकते हैं, पर बाकी जितनी आइगन वैल्यूज जो इनसे डिफरेंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग के आइगन केट्स क्या हैं इसके साथ ऑर्थोगोनल है। अब इस सिचुएशन को अगर हम ग्राफिकली समझें तो दैट वुड रियली हेल्प अस। इस सिचुएशन को मैंने ऐसे दिखाया है, जो अभी मैट्रिक्स वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, ये एक्स वन आइगन केट है, एक्स वन आइगन वैक्टर है जिसके लिए आइगन वैल्यू लैम्डा, एक्स टू जिसके लिए वैल्यू लैम्डा। मैं यहाँ पे लैंग्वेज हो सकता है मिक्स हो रही हो मेरे से, मैट्रिसेस की लैंग्वेज को मैं कैट लैंग्वेज में और कैट की लैंग्वेज को आइगन वेक्टर कभी कभी कह रहा हूँ, दोनों क्योंकि फॉर्मुलेज वाइज क्वांटम मैकेनिक्स में इक्विवेलेंट होते हैं इसलिए दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। ओके दिस, तो ये एक्स वन एक्स टू और ये बाकी सारे एक्स एन जो हैं, समेशन एक्स एन, समेशन एक्स एन अगेन सिम्बॉलिक है, बहुत मोटा वैक्टर इसलिए दिखाया है क्योंकि बहुत सारी डायरेक्शन हैं यहाँ, ये एक डायरेक्शन नहीं है, फिर से इसके अंदर x3, x4, x5 जो है वो सब भी आपस में ऑर्थोगोनल हैं, आपस में 90 डिग्री है। पर इस फिगर को दिखाने का मतलब ये है x1 और x2 के बीच का एंगल का तो मुझे पता नहीं, वो अगेन मैंने यहाँ पे 90 दिखाया है, पर ये बाकी सारी स्टेट्स डिफरेंट आइगन वैल्यू होने के कारण x1 के साथ भी ऑर्थोगोनल हैं और x2 के साथ भी। और जो हमने अभी रिजल्ट प्रूव किया वो रिजल्ट ये कह रहा है अगर x1 और x2 ये दो वैक्टर्स हैं, अब आप इस साइड को भूल जाइए, दो वैक्टर्स मिलकर एक प्लेन डिफाइन करते हैं, अगर इन दो वेक्टर्स को हम ऐड करें a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स x2 तो हमें इसी प्लेन में कोई दूसरा वेक्टर मिलता है। x1 और x2 मिलके जिस प्लेन को बना रहे हैं जिसे मैंने x सुपरपोजिशन लिखा था और हमने ये शो किया x सुपरपोजिशन भी एक आइगन वेक्टर होता है और उसके लिए आइगन वैल्यू भी कितनी बनती है लैम्डा। x सुपरपोजिशन इस प्लेन का कोई भी वेक्टर हो सकता है, x सुपरपोजिशन का एग्जांपल था ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, एक सिंपल चॉइस लेते हैं ए की जगह 1 बी की जगह 0 x1 ये वाला, ए की जगह 0 बी की जगह 1 एक्स टू, दोनों की जगह हाफ हाफ ले लो तो कहीं यहाँ बीच वाला वेक्टर बनेगा, दोनों के बीच वाला, एक को ज़्यादा एक को कम वेरी करते हुए आप इस पूरे प्लेन के किसी भी वेक्टर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर एक्स वन एक्स टू इस तरह से हैं, ये आपके इस प्लेन के बेस वैक्टर्स हैं, तो एक्स सुपरपोजिशन इस तरह का सुपरपोजिशन करके आप इस प्लेन के किसी भी वैक्टर को बना सकते हैं। तो ये जो सिंपल सा रिजल्ट था, ये सिंपल सा रिजल्ट क्या कह रहा है अगर आप ज्योमेट्रिकली समझें दिस रिजल्ट, अगर दो स्टेट्स दो आइगन वेक्टर्स या दो कैट्स डीजनरेट हैं तो उनका सुपरपोजिशन कोई भी हो वो भी क्या होता है आइगन वेक्टर होता है। ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में अगर इस प्लेन के किसी एक प्लेन के दो वेक्टर्स डीजनरेट हैं, या आपको ऐसे बोलना चाहिए अगर दो वेक्टर्स या दो कैट्स डीजनरेट हैं तो हम ऐसे सोच सकते हैं वो मिलके एक प्लेन बना रहे हैं, और तब उस प्लेन का हम कोई भी और वेक्टर भी उठा लें वो भी एक आइगन वेक्टर होगा ही होगा और उसकी आइगन वैल्यू भी सेम होगी। केवल x1 और x2 तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है, लैम्डा आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस पूरे प्लेन का कोई भी वेक्टर उठा लो। उस सिचुएशन को मैंने यहाँ ऐसे दिखाने की कोशिश की है, ये फिगर टू डायमेंशन में इसलिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, बट स्टिल ये मेरा केवल टू डायमेंशनल प्लेन है ये वाला, x1 x2 जिस प्लेन को बना रहे थे ये केवल वो प्लेन है। अब मैंने ये बाकी साइड्स दिखाने की कोशिश नहीं की है, केवल x2 x1 x2 वाला प्लेन है। लेकिन इस x1 x2 वाले प्लेन में भी आप ये चाहते हैं हम अपने किसी भी प्लेन को टू डायमेंशनल स्पेन को स्पेस में आपको चलने के लिए कम से कम दो इंडिपेंडेंट वैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ये हमने पहले भी वो डिस्कस किया था। ओके लेट मी फर्स्ट रीड दिस, एक्स सुपरपोजिशन इज एनी वेक्टर इन द एक्स वन एक्स टू प्लेन, कोई भी वेक्टर हो सकता है इस प्लेन का, दैट इज वी हैव अ होल टू डी सब स्पेस वेयर एनी वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर विद आइगन वैल्यू लैम्डा। ये इसे मैं सब स्पेस कह रहा हूँ, हमारा पूरा जो स्पेस है जिसे हम हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे बाद में, वो पता नहीं कितना डायमेंशनल है, इनफाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है पर हाई डायमेंशनल है, लेकिन उसका जो केवल ये टू डायमेंशनल वाला हिस्सा है, टू डायमेंशनल क्यों, इस समय टू फोल्ड डिजेनरेसी है, इसका ये टू डी सब स्पेस जो है पूरे स्पेस का एक हिस्सा है इसलिए सब स्पेस, इसका जो ये टू डायमेंशनल सब स्पेस है, टू डायमेंशनल सब स्पेस कौन सा, एक्स वन और एक्स टू मिलकर जिस प्लेन को बनाते हैं, ये टू डायमेंशनल सब स्पेस क्या की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें आप कोई भी वैक्टर उठा लो, इसमें कोई भी वैक्टर उठाने का मतलब वो एक्स वन और एक्स टू का इस तरह का सुपर पोजिशन के रूप में हमेशा लिखा जा सकता है। तो इस स्पेस में कोई भी अगर हम वेक्टर उठाएं तो वो भी एक आइगन वेक्टर होगा और उसके लिए भी आइगन वैल्यू कितनी होगी लैम्डा। और इन जनरल अगर हमारी डीजनरेसी डी डायमेंशनल है, डीजनरेसी डी फोल्ड है, डी स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो उस समय ये जो सब स्पेस बनेगा ऐसा सब स्पेस कि उस सब स्पेस में से किसी भी वेक्टर को आप उठा लें वो आइगन वेक्टर की तरह काम कर सकता है, इस समय वो सब स्पेस हो जाएगा डी डायमेंशनल। अगर डीजनरेसी थ्री फोल्ड है फॉर एग्जांपल, तो आपका सब स्पेस
जो डिजनरेट सब स्पेस है वो थ्री डायमेंशनल होगा, इन जनरल डी डायमेंशनल। अच्छा फिर से 2D के एग्जांपल पे चलें, माना हम टू फोल्ड डिजनरेसी की बात कर रहे हैं, तो ये X1 X2 ये जो मेरी ब्लैक लाइंस हैं ये एक्चुअली X1 और X2 की तरह थी। ओके टू डायमेंशनल सब स्पेस में या डी डायमेंशनल सब स्पेस में चलने के लिए, चलने से मेरा मतलब है बेस वैक्टर्स, हमें केवल दो बेस वैक्टर्स की जरूरत होती है। आप कोई भी दो बेस वैक्टर ले सकते हैं, आप ऐसे बेस वैक्टर भी ले सकते हैं जो आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है। माना ये आपका, अब ये मेरा वो सब स्पेस है, बाकी डायरेक्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा टू डायमेंशनल सब स्पेस है। इसमें मैं वैसे किसी भी वेक्टर को उठा लूँ, इसको और इसको उठा लूँ, ये भी मेरे बेस वेक्टर्स की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आइगन वेक्टर्स तो होंगे ही। इस स्पेस का कोई भी वेक्टर आइगन वेक्टर है, ये दोनों बेस वेक्टर्स इस स्पेस में लाई कर रहे हैं, आइगन वेक्टर्स हैं, इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ बेस वेक्टर्स की तरह। लेकिन अगर मेरे पास ये फ्रीडम है कि इस स्पेस के किन्हीं भी दो वेक्टर्स को मैं बेस वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं एक, माना मैंने ये चुना, तो क्यों ना मैं दूसरा वाला ऐसा चुनूँ जो इसके साथ 90 डिग्री मतलब ऑर्थोगोनल है। ये चॉइस मैं ले सकता हूँ, लेकिन इस चॉइस का फ़ायदा क्या है? ये दो जो डीजनरेट वाले सब स्पेस से हम दो बेस वेक्टर्स हमें उठाने हैं, वो दो बेस वेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। आपको ये वाला नहीं चाहिए, आप ये वाला ही लेना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, तो दूसरा वाला इसके साथ ऑर्थोगोनल ले लो ना। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ इस तरह से दिखाने की कोशिश की। इस टू डायमेंशनल प्लेन में, इस टू डायमेंशनल सब स्पेस में आप ये ब्लैक वाले दो वैक्टर्स ले सकते थे, ये आपस में ऑर्थोगोनल है, या माना ये ब्लू वाले दो, इनके भी ये भी उसी प्लेन में है, इनके बीच का एंगल भी 90, ऑर्थोगोनल। या आप ये दो रेड वाले वेक्टर्स ले सकते हैं, ऑर्थोगोनल। आपके पास इनफैक्ट यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं बेस वेक्टर की, आपको केवल इस टू डायमेंशनल डीजनरेट सब स्पेस को स्पैन करना है, इसको इसके अक्रॉस चलना है, ये मैंने पिछले लेक्चर में एक जगह डिस्कस किया है। और इसको स्पैन करने के लिए आपको केवल दो इंडिपेंडेंट वैक्टर्स चाहिए वैसे तो, लेकिन बेटर ये है उन दो इंडिपेंडेंट वैक्टर्स को भी हम आपस में क्या लें? ऑर्थोगोनल। तो अब इन सवालों का आंसर आपको मिल जाना चाहिए। क्यों मैं, मेरी थ्योरम जो थी वो तो केवल ये कह रही थी अलग अलग आइगन वैल्यू वाले आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, अलग अलग आइगन वैल्यू वाले तो थ्योरम से गारंटीड हैं ऑर्थोगोनल होंगे ही होंगे, पर जो सेम आइगन वैल्यू वाले भी होते हैं उनको भी हम हमेशा ऐसे चूज़ कर सकते हैं कि वो आपस में क्या हो? ऑर्थोगोनल हो। आप इस स्पेस में इनफैक्ट यहाँ पे आप पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, माना स्मॉल एन नॉट ये है और कैपिटल एन नॉट ये है, बाकी स्पेस ये है, ये बाकी स्पेस इन सब के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इस रेड के साथ भी, इस रेड के साथ भी, वो तो डिफरेंट आइगन वैल्यू के कारण थ्योरम ने कह ही दिया। पर अगर मैं इन दोनों रेड को ऐसा चूज़ कर लूँ, स्मॉल एन नॉट कैपिटल एन नॉट, तो इनके बीच का एंगल 90 तो है, तो ये चॉइस जब हमारे पास है तो हम इस चॉइस को यूज़ करेंगे। आपको ये दो यूज़ नहीं करने हैं फॉर सम रीज़न, आप ये वाले ले लो, दो ब्लू वाले वैक्टर्स, इनके बीच का एंगल भी कितना? 90। बाकी सारा स्पेस डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के कारण इनके साथ, बाकी सारा स्पेस तो इस पूरे सब स्पेस के साथ पहले ही ऑर्थोगोनल है। यहाँ का कोई भी वेक्टर उठाओगे वो तो इनके साथ ऑर्थोगोनल होगा ही होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो बाकी वालों की तो चिंता नहीं है। आप यहाँ से दो वेक्टर कोई भी उठाएं, बाकी स्पेस के साथ वो ऑर्थोगोनल तो होंगे। पर जब आपको यहाँ से दो वेक्टर्स उठाने हैं, जस्ट बेस वेक्टर के लिए दो अलग अलग वेक्टर उठाने हैं, तो क्यों ना हम वो दो वेक्टर्स भी ऐसे पिक करें जो आपस में ऑर्थोगोनल हों। तो ये थ्योरम में ये पार्ट कवर नहीं हुआ कि आप डीजनरेसी के बावजूद बेस कैट्स को अपना ऑर्थोगोनल पैक पिक कर सकते हैं, बट ये जो रिजल्ट है ये इसके कारण हम ये कर सकते हैं, चाहे डीजनरेसी हो भी तो वो जो जिस सब स्पेस में आप कन्फाइन हुए थोड़ी देर के लिए, उस सब स्पेस में भी आप ऑर्थोगोनल सेट पिक कर सकते हैं। तो आपस के एन नॉट और एन नॉट आपने ऐसे पिक किए, ये जब मैंने फिगर बनाया मेरे दिमाग में नोशन ये था, मैंने एन नॉट और कैपिटल एन नॉट ऐसे वाले पिक किए हैं जो आपस में ऑर्थोगोनल हैं, और बाकी सारे कैट्स के साथ तो ये ऑर्थोगोनल है ही हैं, तो सारा का सारा, तो ये एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इस समय भी आप पे अवेलेबल है। ओके दिस, तो दिस इज, या X1 X2 के टर्म्स में बात करूँ, जब हम यहाँ X1 X2 के टर्म में फिगर दिखा रहा था, अगेन मैंने X1 X2 को आपस में ऑर्थोगोनल क्यों दिखाया? मैंने ऐसी चॉइस पिक की है X1 X2 की, तो वो आपस में क्या बने? ऑर्थोगोनल बने। आप मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन आप लोग जब करते हैं वहाँ पे आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हम निकालते हैं तो डीजनरेट वाले केस में हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है, पर हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो दो आइगन वेक्टर्स जो हम फाइनली पिक करें वो आपस में क्या हों? ऑर्थोगोनल। तो सेम आइडिया अप्लाइज हियर। तो इन ए 2D स्पेस या इन जनरल डी डायमेंशनल स्पेस रिक्वायर्स जस्ट टू या डी इंडिपेंडेंट बेस वेक्टर्स टू स्पैन इट।
ओके, टू डायमेंशनल स्पेस में चलने के लिए केवल दो वेक्टर सफिशिएंट होते हैं, थ्री डायमेंशन में तीन सफिशिएंट होते हैं। हमारे डीजनरेट स्पेस अगर डी डायमेंशनल है तो उसको स्पैन करने के लिए आपको डी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए, बट वी कैन चूज देम टू बी ऑर्थोनॉर्मल। हम हमेशा उन दो या तीन या जितने भी वो पिक करने हैं उनको ऑर्थोनॉर्मल चूज कर सकते हैं। उस स्पेस के कोई भी वेक्टर्स आपका काम कर जाएंगे तो आप क्यों ना ऐसे चूज करें जो आपस में ऑर्थोनॉर्मल है, वाई नॉट। ये आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे, तो आप हमेशा कह सकते हैं मेरा सेट क्या है, एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। सो नाउ द होल सेट इज ऑर्थोनॉर्मल। ओके, ये मैंने ऑर्थोनॉर्मल पेयर शो किए हैं। किसी को ये ब्लैक वाले दो वेक्टर्स पसंद आ रहे हैं वो इनको चूज कर सकता है, उस सब स्पेस को स्पैन करने के लिए मेरे ये दो वेक्टर्स काम करेंगे। किसी को ये दो पसंद नहीं आ रहे हैं वो ये दो रेड वाले ले सकता है, किसी को ये दो ब्लू वाले, रेड ब्लू ब्लैक का मेरा मतलब ये है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं ऑर्थोनॉर्मल पेयर की इस सब स्पेस में। ओके, तो हमने यहाँ पर ये शो किया अगर डीजनरेसी है भी तभी भी आपके पेयर ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल आप पिक कर सकते हैं। तो अभी से हम ये एज्यूम करेंगे, तो इस सिचुएशन में, अब इस सिचुएशन में देखें, वन नॉट, टू नॉट, थ्री नॉट, ये सब आपस में ऑर्थोनॉर्मल हैं, ये सब वन नॉट, टू नॉट वगैरह, एन नॉट और कैपिटल एन नॉट, इनके साथ भी ऑर्थोनॉर्मल है। लेकिन इस सब स्पेस में हमने स्मॉल एन नॉट और कैपिटल एन नॉट ऐसे पिक किए हैं वो भी आपस में ऑर्थोनॉर्मल हैं। तो ये जितने भी यहाँ जितनी भी स्टेट्स लिखी हुई हैं, चाहे डीजेनरेसी है चाहे नहीं है, ये हम स्टार्टिंग पॉइंट से ये अज्यूम कर सकते हैं ये सारी की सारी स्टेट्स क्या हैं आपस में, ऑर्थोनॉर्मल है। ओके, टू बिगिन विद ऑल द स्टेट्स दैट वी हैव चूजन विद, वी हैव स्टार्टेड विद दैट, दिस टू फोल्ड डीजेनरेसी के केस में एच नॉट एक्टिंग ऑन एन नॉट, एनर्जी वैल्यू इन एन नॉट, कैट वापस एच नॉट ऑन कैपिटल एन नॉट, अब की बार कैपिटल एन नॉट, लेकिन एनर्जी वैल्यू सेम है। जो मैं ए एक्स वन इक्वल टू लैम्डा एक्स वन लिख रहा था मैट्रिक्स लैंग्वेज में, कैट लैंग्वेज में उसका ये मतलब है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म्स में, टू फोल्ड डीजेनरेसी है। लेकिन अब से हम ये अज्यूम कर रहे हैं हमने एन नॉट और एन नॉट ऐसे पिक किए हैं, पता नहीं है ब्लू वाले या ब्लैक वाले या रेड वाले, पर जो भी पेयर हमने पिक कर लिया, एक बार चूज कर लिया, वो पेयर क्या है, वो खुद भी आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। एन नॉट और कैपिटल एन नॉट का इनर प्रोडक्ट कितना है, जीरो, दिस। और जो हमने रिजल्ट कहा था, अब मैं ए और बी के बजाय उसको अल्फा और बीटा मैं सुपरपोज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ एक्स सुपरपोजिशन मैंने बनाया था ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, तो अब मैं ये कह रहा हूँ एन नॉट और एन नॉट एक टू डायमेंशनल प्लेन बना रहे हैं, लेकिन उस प्लेन का कोई भी कैट मेरा आइगन कैट हो सकता है। तो अल्फा टाइम्स स्मॉल एन नॉट प्लस बीटा टाइम्स कैपिटल एन नॉट, अगर मैं ये वाली एक स्टेट बनाऊं, ये भी एक कैट है, तो ये भी एक सिस्टम की एक पॉसिबल स्टेट हो सकती है जिसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होगी, ई एन जीरो। ओके, एनी सुपरपोजिशन ऑफ डीजनरेट कैट्स इज ऑल्सो अ पॉसिबल आइगन कैट। ओके, अब मैं उस आंसर पे आते हैं, नॉन डीजनरेट का जो हमारा रिजल्ट है वो काम क्यों नहीं करेगा। नॉन डिजेनरेट केस में हमने फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी की थी, वो इस तरह की एक इक्वेशन से आई थी, जब हमने लैम्डा पावर वन के कोफिशिएंट को ऑर्डर पैरामीटर के कोफिशिएंट को दोनों साइड कंपेयर किया था लैम्डा पावर वन के, तो मुझे फाइनली ये इक्वेशन मिली थी। इस इक्वेशन में दो अननोन्स है, एन वन कैट करेक्शन और ई एन वन एनर्जी करेक्शन। यहाँ पर हमारा एम डिजेनरेट केस में हमारा एम मेनली केवल एनर्जी करेक्शन निकालना होगा, बट स्टिल वहाँ पर जब ये इक्वेशन मिलती है या तो हम इस टर्म को सर्वाइव कराते हैं, उस समय ये टर्म खत्म हो जाता है तो आपको कैट करेक्शन मिल जाता है, और जब हमें एनर्जी करेक्शन निकालना होता है हम इस लेफ्ट हैंड साइड को खत्म कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड खत्म कैसे होता है, अगर मुझे ई एन वन को सर्वाइव कराना है, सर्वाइव मतलब ये बचा रहा है इक्वेशन में, ये बचा रहा है तो इसकी इक्वेशन इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। इस टर्म को बचाने के लिए हम इस इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट लेते हैं एम जीरो के साथ, लेकिन एम को एन के बराबर सेट करते हैं। वहाँ पे स्टेप हमने इस तरह से किए थे, इनर प्रोडक्ट एम जीरो के साथ लेते हैं और बाद में एम को एन के बराबर सेट करते हैं। आप सीधे ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे अगर केवल इस टर्म को सर्वाइव कराना है, इस इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट हम एन जीरो के साथ ले लेते हैं, वहाँ पे डीजेनरेसी नहीं है तो एन कैपिटल लिखने का कोई सेंस नहीं है दिस। तो इसका इनर प्रोडक्ट जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड का, केवल लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखा रहा हूँ, केवल लेफ्ट हैंड साइड का इनर प्रोडक्ट एन नॉट के साथ लोगे तो एन नॉट एच नॉट माइनस ई एन नॉट एन वन, और एच नॉट जब एन नॉट पे एक्ट करता है तो आपको एन नॉट वापस मिलता है और मल्टीप्लाइड बाई ई एन नॉट, हर्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी के कारण। बाकी पार्ट को तो मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, माइनस ई एन नॉट एक्टिंग ऑन एन वन, ये सब तो ऐसे का ऐसी। एच नॉट ने जो एन नॉट पे एक्ट किया वो वाला रिलेशन आप डुअल साइड में यूज़ करें तो आपको ये मिलता है, और ई एन नॉट माइनस ई एन नॉट, ये ई एन नॉट क्यों आया, इसने एन नॉट स्टेट से आपने मल्टीप्लाई किया, इनर प्रोडक्ट एन नॉट के साथ लिया। ये वाला एन नॉट तो पहले से था, ये एच नॉट ने जब इस एन नॉट पे एक्ट किया, ई एन नॉट माइनस ई एन नॉट इज जीरो। लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से खत्म होती है और राइट हैंड साइड फिर सिंप्लीफाई आपको आंसर देती है, ई एन बराबर इक्वल टू एच डैश एन एन, वहीं से आता है आंसर। बट यहाँ सवाल ये है, मुझे अगर इसको ख़त्म करना है, ये ख़त्म कैसे हो रहा है, मुझे इसे एक ऐसी आइगन स्टेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है,
जिसकी एनर्जी वैल्यू कितनी है ई एन जीरो। अगर यहाँ मुझे ई एन जीरो मिल जाए तो ये सब्ट्रैक्ट होके जीरो बनेगा, लेकिन ई एन जीरो आइगन वैल्यू तो दो कैट्स के करस्पॉन्डिंग है, स्मॉल एन जीरो और कैपिटल एन जीरो। अगर मैं इस इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट डी जनरेट केस में स्मॉल एन जीरो के साथ लूँ तभी भी लेफ्ट हैंड साइड वैनिश हो जाएगा, और अगर मैं इसका इनर प्रोडक्ट कैपिटल एन जीरो के साथ लूँ तभी भी लेफ्ट हैंड साइड वैनिश हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैनिशिंग इस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम है तो ये वैनिश होगा। तो लेकिन अब ई एन वन का तो आपका एक आंसर होना चाहिए, आप स्मॉल एन जीरो से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर इस तरह का रिलेशन आपका यूज़ होगा, एन नॉट बींग एक्टेड बाई एच नॉट ई एन नॉट एन नॉट और दिस कैपिटल एन नॉट के साथ भी स्टेट तो कैपिटल एन नॉट है लेकिन एनर्जी वैल्यू कितनी है ई एन जीरो। तो इनर प्रोडक्ट चाहे स्मॉल एन नॉट के साथ लो चाहे कैपिटल एन नॉट के साथ डीजनरेट केस में लेफ्ट हैंड साइड वैनिश हो जाएगा, पर लेफ्ट हैंड साइड दो तरह से वैनिश हो रहा है तो क्या ई एन वन के दो आंसर होने चाहिए? तो ये यही यही प्रॉब्लम की जड़ है, ई एन वन का कौन सा वाला आंसर को हम सही माने। ओके दिस अच्छा, और दूसरा इस सवाल को दूसरी तरह से भी पोज कर सकते हैं, असली सवाल वैसे यही है हमारा, हमको ये कैसे पता कि जब पर्टर्बेशन जब तक अप्लाई नहीं हुआ था जिसे हम स्टार्टिंग स्टेट कहेंगे, स्टार्टिंग स्टेट ये वाली थी या ये वाली थी? ये तो हमारी बेस स्टेट्स थी, लेकिन आपको कैसे पता? हमें केवल सिस्टम की एनर्जी हम मेज़र कर पाते हैं, मेज़रमेंट जिस चीज़ का होता है वो एनर्जी का होता है। माना ये अनपर्टर्ब सिस्टम है, आपको सिस्टम की एनर्जी इतनी पता है, ई एन नॉट पता है जो वट एवर वैल्यू, लेकिन उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग तो ये स्टेट हो सकती है या ये स्टेट, या अब तो हमने ये प्रूव कर दिया है इनका कोई सा लीनियर सुपरपोजिशन भी एक पॉसिबल स्टेट हो सकती है, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मोस्ट जनरल स्टेट तो ये वाली हो सकती है, अल्फा टाइम्स दिस प्लस बीटा टाइम्स दिस स्टेट, सुपरपोज्ड स्टेट। तो अगर मुझे इनिशियल सिस्टम की एनर्जी मुझे पता है, जब तक डीजनरेसी नहीं थी तो एनर्जी से सीधे सीधे स्टेट का आइडिया लग जाता है, एक एनर्जी के लिए एक कैट है, लेकिन अब अगर एनर्जी इतनी दिख रही है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की तो कैट उस समय ये वाला था कि मोस्ट जनरली ये वाला था। ओके तो असली सवाल यही है, क्योंकि पर्टर्बेशन थ्योरी में आप बाद की स्टेट बाद की एनर्जी निकालेंगे, लेकिन उसके लिए इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी चलो पता है लेकिन इनिशियल स्टेट एग्जैक्टली कौन सी वाली थी, ये वाली। तो यही सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, हाउ डू वी नो फॉर श्योर दैट द स्टार्टिंग स्टेट वॉज दिस और अ लीनियर कॉम्बिनेशन। आपने बेस कैट्स तो इनको पिक कर लिया, पर बेस कैट पिक करने से ये नहीं है कि ये स्टार्टिंग स्टेट थी, स्टार्टिंग स्टेट हो सकता है हाफ टाइम्स दिस प्लस हाफ टाइम्स दिस रही हो, या 0.7 टाइम्स दिस और 0.9 टाइम्स दिस विद अ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमें लेना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग स्टेट इनका कोई सा भी सुपर पोजिशन हो सकती थी। तो हमें कैसे पता कि स्टार्टिंग स्टेट ये लेनी है कि ये लेनी है कि ये लेनी है? तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो अब इसे कैसे एड्रेस करें? माना स्टार्टिंग स्टेट कुछ है, मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं पता, असली सवाल यही है अब स्टार्टिंग स्टेट क्या थी। ओके एक्चुअली पर्टर्बेशन थ्योरी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, आप अल्फा बीटा को मनचाही वैल्यू लेके अगर फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी के रिजल्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो होगा क्या, आपके आंसर्स डाइवर्जेंट होंगे। आंसर से मेरा मतलब क्या है, हम निकालते क्या है पर्टर्बेशन थ्योरी में, एनर्जी का करेक्शन ई एन वन और कैट का करेक्शन एन वन। नया वाला एनर्जी अगर सिंबॉलिकली दिखाऊं, पुरानी एनर्जी प्लस ई एन वन, नया वाला कैट बराबर पुराना कैट प्लस करेक्शन। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग स्टेट प्रॉपर नहीं रही होगी, प्रॉपर का मतलब अभी क्लियर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आप वो फर्स्ट ऑर्डर की पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करेंगे तो ये जो आपके आंसर हैं करेक्शन जो हैं ये आपको इन्फिनिटी टाइप के मिलेंगे। जैसे इन्फिनिटी टाइप के मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इसमें एन वन करेक्शन कैट हम कैसे निकालते हैं, एन वन को फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी में नॉन डिजनरेट केस में हम इसे कुछ इस तरह से एक्सपेंड कर रहे थे, सी एन एन नॉट या सी पी पी नॉट, सॉरी इस तरह से एक्सपेंड किया था, सी वन वन नॉट प्लस सी टू टू नॉट, जो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है अनपर्टर्ब स्टेट्स का उसके टर्म में इस करेक्शन कैट को हमने एक्सपेंड किया था। फिर ये सी पी की वैल्यू जो हमने निकाली थी, इसका एक्सप्रेशन बाकी जो भी आया था इसके डिनोमिनेटर में ई पी जीरो माइनस ई एन जीरो आया था। लेकिन अगर दो स्टेट्स की एनर्जी सेम है, और इस समय तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जिसकी एनर्जी सेम है, उस टू डायमेंशनल प्लेन के किसी भी दो वैक्टर को उठा लो वो आपका स्टार्टिंग स्टेट संभवतः हो सकता है, तो वो जो कोफिशियंट है वो कभी कभी आपका इन्फिनिटी भी बनने लगेगा, डाइवर्जेंट से मेरा यही सेंस है। अगर आप आर्बिट्री स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करके नॉन डिजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी के रिजल्ट को सीधे सीधे अप्लाई कर दो तो होगा क्या, आपके ये आंसर्स डाइवर्जेंट होंगे।
केवल कुछ खास स्टार्टिंग स्टेट्स के कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिनके लिए आंसर्स आपके फाइनाइट बनेंगे, उन्हीं आंसर्स को हमने सही मानना है। जिन स्टार्टिंग स्टेट्स के कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट तो हम फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी का ही अप्लाई करेंगे, नॉन डिजेनरेट वाला, लेकिन स्टार्टिंग स्टेट का सवाल है। तो अब इस सवाल को हम इस तरह से, इसका आंसर इस तरह से दे रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेट हमारी वो वाली होगी कि उसके साथ हम वो वही वाली पर्टर्बेशन थ्योरी, नॉन डिजेनरेट वाली ही पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करें, तो ना ये आंसर डाइवर्ज करे ना ये आंसर, ये दोनों आंसर क्या हों, वेल बी इट। ओके, आर्बिट्री स्टेट अल्फा बीटा। अब स्टेट का मतलब क्या है, इस समय आर्बिट्री स्टेट अल्फा और बीटा की वैल्यू से तो डिफाइन हो रही है, तो स्टेट आर्बिट्री स्टेट अल्फा और बीटा को आप मनचाही वैल्यू देते रहेंगे तो ये स्टार्टिंग स्टेट आपकी आर्बिट्री बनती रहेगी, मनचाही बनती रहेगी। तो आर्बिट्री स्टेट वॉन्ट लीड टू वेल डिफाइंड आंसर। आप आर्बिट्री स्टेट से स्टार्ट करेंगे तो वो वाले पर्टर्बेशन थ्योरी के जो रिजल्ट्स अभी हमने अभी तक ऑब्टेन किए हैं वो आपको वेल डिफाइंड आंसर इन चीज़ों के नहीं देंगे। ठीक है, पर्टर्बेशन अप्लाई होने के बाद आपको इनके वेल डिफाइंड आंसर नहीं मिलेंगे। वेल डिफाइंड से मेरा मतलब है फाइनाइट, जो एब्सर्ड आंसर हैं, एब्सर्ड इन्फिनिटी फिजिक्स में एब्सर्ड है। ओके दिस, तो और इनफैक्ट इस सवाल का आप सही आंसर हम इस तरह से देते हैं, तो ये तो मुझे पता ही नहीं है मेरी स्टार्टिंग स्टेट कौन सी थी। सवाल ही ये है भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू बता दो जिनसे हमें सही आंसर मिलेगा, ये कैसे पता लगेगा। इस आंसर को हम एक तरह से उल्टा सवाल पोज कर रहे हैं या इसका आंसर उल्टी तरह से दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं पर्टर्बेशन माना सिस्टम पे अप्लाई हो गया, माना आपकी एनर्जी और कैट ये बने, ये एनर्जी और कैट कैसे बने, ओरिजिनल कैट में इतना करेक्शन, ओरिजिनल एनर्जी में इतना करेक्शन, ओरिजिनल कैट में इतना करेक्शन, ये सिंबॉलिक है, इसको आप वो ना समझें। अगर हम धीरे धीरे पर्टर्बेशन को स्विच करें तो हम किसी स्टेट पे जाके ख़त्म होंगे, लैंड करेंगे, मैं उसे लैंड करना बोलूँगा। पर्टर्बेशन ऑन करने पे यहाँ से यहाँ जाते हैं, अगर हम धीरे धीरे पर्टर्बेशन को ऑफ करें हम यहाँ जाएंगे, यहाँ मतलब हमें पता लग जाएगा अल्फा और बीटा की कौन सी वैल्यू है। माना आप जिस स्टेट में आपने एंड किया उसमें अल्फा की वैल्यू 0.2 है और बीटा की वैल्यू 0.6 है, तो आप बोलेंगे अरे ये वाली स्टेट पे हम तब पहुँचते हैं जब शुरुआत में अल्फा बराबर 0.2 लें और बीटा बराबर 0.6। तो आंसर हम इस तरह से दे रहे हैं, व्हाट स्टेट डज द सिस्टम रिटर्न टू वंस द पर्टर्बेशन इज स्विच्ड ऑफ। पर्टर्बेशन ऑफ करने के बाद सिस्टम कौन सी स्टेट में रिटर्न कर रहा है, जिस स्टेट में वो रिटर्न कर रहा है वही हमारी क्या होगी, करेक्ट चॉइस फॉर द स्टार्टिंग स्टेट। मतलब आइडिया ये है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी के रिजल्ट्स को सीधे सीधे कॉपी कर लेंगे, उन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे। बट अब ये स्टार्टिंग स्टेट कैसे डिटरमिन करेंगे, पर्टर्बेशन को ऑफ करने के बावजूद ये एक जो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी उन्हीं वैल्यूज़ को सही मानेंगे। तो इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन आप अगर मैं इस सिस्टम पे अप्लाई करूँ, इस सिस्टम से मेरा मतलब क्या है, एनर्जी EN0 या EN0 कुछ भी लिखो अनपर्टर्ब सिस्टम की, लेकिन स्टार्टिंग स्टेट इस प्रकार की है अल्फा N0 प्लस बीटा N0। ओके दिस, और फाइनल एनर्जी EN बनने वाली है और फाइनल कैट बनने वाला है, माना हम उसे N लिखें और उसका जो करेक्शन टर्म है वो N1 के बराबर है। तो ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी का रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया है, बस इसमें जो चेंज हुआ है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी में, यहाँ पे सिंपली N0 लिखा रहा होगा, EN1 - H-N0, क्योंकि N0 हमारी स्टार्टिंग स्टेट थी। इस समय स्टार्टिंग स्टेट N0 नहीं है, स्टार्टिंग स्टेट ये है, वो अलग बात है, अभी अल्फा बीटा फिक्स नहीं है, पर ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है, ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट। N1 कैट का करेक्शन, ये मेरा एक अननोन हमेशा रहा है। EN1 फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये अननोन पहले भी रहा है। अब ये दो भी अननोन है, अल्फा और बीटा भी अननोन है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी का ही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग स्टेट ये लिए। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे रहने दिया, इसके राइट हैंड साइड को मैंने चार टर्म्स में ब्रेक कर दिया। चार टर्म्स क्या, अल्फा एक नंबर है, EN1 एक नंबर है, अल्फा EN1 N0 स्टेट, EN1 इंटू दिस या EN1 इंटू H- इंटू दिस, ये वाला टर्म अल्फा एक नंबर है, H- एक्टिंग ऑन N0। अगला टर्म ये वाला बीटा दिस वाला, बीटा EN1 बीटा EN1 टाइम्स कैपिटल N0, और लास्ट टर्म बीटा एक कांस्टेंट है विद अ माइनस साइन, H- एक्टिंग ऑन N0। ये राइट हैंड साइड के चार टर्म्स ऐसे लिख दिए। ओके, करना वही है, अगर मुझे EN1 की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी करेक्शन निकालना है, अब की बार EN1 यहाँ दो टर्म्स में आ चुका है, लेकिन कुल मिला के अगर आप एनर्जी करेक्शन इवेलुएट करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को ख़त्म करो। अब लेफ्ट हैंड साइड खत्म होगा तो इक्वेशन में क्या बचेगा, केवल एनर्जी करेक्शन। ठीक है, हमारा एनर्जी करेक्शन का आंसर निकल आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वैनिश कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में EN0 है, अगर यहाँ से भी EN0 मिले तो EN0 - EN0। H0 EN0 कब जनरेट करता है, H0 EN0
इन दोनों कैट्स के साथ जनरेट करता है, तो इनके डुअल्स के साथ भी जनरेट करेगा। डुअल से मेरा मतलब है इसको मैं कैट कह रहा हूँ, बाद में इसको हम ब्रा कहेंगे, पर अभी मैं डुअल वेक्टर कह रहा हूँ इसे, ये कैट और ये इसका डुअल। अगर एच नॉट ने इस वाले कैट पे ये वाली वैल्यू दी तो इसी के डुअल पे भी ये यही वाली वैल्यू देगा। ओके, तो मतलब अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड को वैनिश करना है तो अगर मैं स्मॉल एन नॉट के साथ इनर प्रोडक्ट ले लूँ तो एच नॉट स्मॉल एन नॉट के डुअल के साथ एक्ट करेगा, तो स्मॉल एन नॉट का डुअल वापस मल्टीप्लाइड बाई एन जीरो। लेकिन अगर मैं इनर प्रोडक्ट कैपिटल एन नॉट के साथ भी लेता तभी भी तो एनर्जी वैल्यू जो जनरेट होती ई एन जीरो ही तो होती। लेफ्ट हैंड साइड को वैनिश कराने के इस समय दो तरीके हैं, इनर प्रोडक्ट एन नॉट के साथ भी ले लो स्मॉल एन नॉट या कैपिटल एन नॉट, तो मैं दोनों केस करूँगा, लेट्स सी व्हाट वी गेट। इनफैक्ट ये जो फिगर है जो मैंने यहाँ पे बनाया था ये, इसमें अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिसिंग है, मैंने लिखा हुआ अभी ए पार्ट इज मिसिंग, मैं अभी ड्रॉ करूँगा। बट ये दो बार मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, इनर प्रोडक्ट लिया एक बार स्मॉल एन नॉट के साथ, लेफ्ट हैंड साइड ई एन नॉट माइनस ई एन नॉट एन नॉट एन वन, एन नॉट के साथ इनर प्रोडक्ट लिया तो एच नॉट ने जब एन नॉट पे एक्ट किया ई एन नॉट जनरेट किया और उसके बाद एन नॉट टाइम्स एन वन। ठीक है, ये वहाँ पे वन डायमेंशनल फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन नॉट जनरेट में हम कर चुके हैं, ये वही चीज़ है। कुल मिला के ई एन नॉट माइनस ई एन नॉट बन गया जीरो, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड कितना बनेगा, हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं स्मॉल एन नॉट के साथ, इस फर्स्ट टर्म के साथ नंबर नंबर एन नॉट का इनर प्रोडक्ट वन, ऑर्थोनॉर्मलिटी के कारण नॉर्मलाइज है एन नॉट का इनर प्रोडक्ट वन। एन नॉट यहाँ पे एन नॉट और एन नॉट का इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, बीच में ऑपरेटर एच डैश आ रहा है, तो वो वाला टर्म कितना है एन नॉट एच डैश एन नॉट, दैट इज एच डैश एन एन, ये नोटेशन हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं सो यू नो इट। तो ये जो शुरू के दो टर्म हैं यहाँ से अल्फा ई एन वन इंटू वन, यहाँ से माइनस अल्फा, और ये टर्म जो बनेगा एन नॉट और एन नॉट के बीच कौन है एच डैश स्क्वीज है एच डैश एन एन। अगला टर्म बीटा ई एन वन तो नंबर हैं, स्मॉल एन नॉट और कैपिटल एन नॉट का इनर प्रोडक्ट, हमने स्मॉल एन नॉट और कैपिटल एन नॉट ये बात कर ली है उस टू डायमेंशनल स्पेस में, हमने इन दो को पिक किया, लेकिन ये दो भी हमने ऐसे पिक किए थे ये आपस में क्या थे ऑर्थोगोनल थे, तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट स्मॉल एन नॉट और कैपिटल एन नॉट का इनर प्रोडक्ट कितना जीरो। और लास्ट में ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा क्योंकि बीच में एन नॉट से इनर प्रोडक्ट होने से पहले एच डैश ने ऑपरेट होना है, बीटा तो नंबर है माइनस बीटा, लेकिन यहाँ जो टर्म जनरेट होगा वो इस तरह का है, ये सारे टर्म्स इसलिए जनरेट हो रहे हैं हम एन नॉट के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जो लास्ट वाला टर्म है माइनस साइन है बीटा है उसमें, उसके अलावा उसमें है एच डैश एन नॉट, ये लास्ट टर्म माइनस बीटा तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, एच डैश स्क्वीज है स्मॉल एन और कैपिटल एन के बीच में, तो ये लास्ट वाला टर्म आपका ये बनेगा दिस। सो बी केयरफुल, एक टर्म ऑर्थोनॉर्मलिटी से वन, एक एच डैश एन एन, एक टर्म ऑर्थोनॉर्मलिटी से जीरो, ये स्मॉल एन और कैपिटल एन की ऑर्थोनॉर्मलिटी, और ये एच डैश एन एन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गया, इन टर्म्स को अगर आप रीअरेंज करें अल्फा वाला टर्म दो जगह आ रहा है उन दोनों को कलेक्ट किया, और बीटा वाला एक जगह आ रहा है, एक जीरो हो गया बीटा, इसको साइन चेंज करके लिखा है ओवरऑल अल्फा एच डैश एन एन माइनस ई एन वन प्लस बीटा एच डैश एन कैपिटल एन इक्वल टू जीरो। इसी तरह से इसी इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट अगर मैं कैपिटल एन जीरो वाले डुअल वेक्टर से लेता, लेफ्ट हैंड साइड फिर से वैनिश होती, राइट हैंड साइड अब की बार कैपिटल एन जीरो के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लूँ, इसका प्लीज़ चेक अल्फा ई एन वन नंबर्स हैं, कैपिटल एन और स्मॉल एन का इनर प्रोडक्ट जीरो, ऑर्थोनॉर्मल हमने चूज़ कर रखा है उन्हें भी, कैपिटल एन इधर से एच डैश स्मॉल एन, तो वो बनेगा एच डैश कैपिटल एन स्मॉल एन, मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ पर्टर्बेशन बिटवीन कैपिटल एन एंड स्मॉल एन स्टेट, ये वाला फर्स्ट टर्म जीरो, सेकेंड टर्म एच डैश एन एन, थर्ड टर्म ये दोनों नंबर्स हैं कैपिटल एन और कैपिटल एन का इनर प्रोडक्ट वन, ऑर्थोनॉर्मलिटी के कारण वन, नॉर्मलाइज्ड हैं इसलिए वन, और लास्ट वाला टर्म कैपिटल एन नॉट एच डैश कैपिटल एन नॉट एच डैश कैपिटल एन कैपिटल एन, दिस टर्म कोफिशियंट्स वगैरह वही हैं अल्फा बीटा, दिस अगेन वही हो रहा है, एक इनर प्रोडक्ट वन, एक जीरो, एक जगह एच डैश मिक्सड स्टेट, इसे मैं मिक्सड कह रहा हूँ क्योंकि एच डैश के एक तरफ कैपिटल एन वाली स्टेट है एक तरफ स्मॉल एन वाली, और ये एच डैश कैपिटल एन, ऊपर भी ऐसे ही हुआ था एच डैश एन एन दोनों तरफ एक ही स्टेट स्मॉल एन वाली, एक तरफ एक स्टेट एक तरफ दूसरी स्टेट, एक तरफ एक स्टेट एक तरफ दूसरी स्टेट, और एक तरफ एक टर्म ऐसा जिसमें दोनों साइड सेम स्टेट है, बस इसी इक्वेशन को भी रीअरेंज करके लिखा है ऐसा बना। अगेन अभी वैसे सवाल बाकी है वही, माना इन प्रिंसिपल अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वैसे अब इसमें तीन अननोन हैं, अल्फा और बीटा भी अननोन है और ई एन वन भी अननोन है, ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ई एन वन का एक आंसर यहाँ से मिलेगा और ई एन वन का एक डिफरेंट आंसर यहाँ से मिलेगा,
किसको माने, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। इन इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, दिस इंटू अल्फा प्लस दिस इंटू बीटा, और ऐसी सेकंड इक्वेशन दिस इंटू अल्फा प्लस दिस इंटू बीटा, और राइट हैंड साइड में आपके दोनों के क्या है, जीरो। मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशन इस तरीके की है, ओके। ये मैट्रिक्स इक्वेशन को भी आप इस तरह से भी लिख सकते थे, EN1 दोनों जगह सेम है। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ब्रेक कर सकते हैं, EN1 वाले पार्ट को आप अलग कर दें। EN1 वाले पार्ट को आप कैसे अलग कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स जो ये मैट्रिक्स बची हुई है इसमें से EN1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को घटा दें तो ये वाली मैट्रिक्स बनती है, और EN1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब अल्फा बीटा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है और आप उसको राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये और ये एक ही बात है। ये इसको देखें तो इन प्रिंसिपल ये सब कुछ हमें पता है, पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन एच डैश पता है, इनमें से कोई सा भी टर्म किस प्रकार का है, एच डैश ये मैट्रिक्स एलिमेंट है एच डैश का किसी स्टेट और किसी स्टेट के बीच में, वो स्टेट स्मॉल एन हो सकती है, एन नॉट स्मॉल वाले, या एन नॉट स्मॉल वाला और इधर कैपिटल वाला, या ये वाला टर्म इधर कैपिटल वाली स्टेट इधर स्मॉल वाली, या इधर कैपिटल वाली इधर कैपिटल वाली, ये चारों टर्म्स इस तरह के हैं। अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है, उसका एक एक स्टेट चाहे वो ये वाली सब पता है, तो इन प्रिंसिपल ये पूरी मैट्रिक्स मुझे पता है, ये पता है। इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, किसी अल्फा बीटा कॉलम पे एक्ट करती है, आइगन वेक्टर पे एक्ट करती है, आइगन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर आइगन वैल्यू। अगर आपको केवल ये दे रखा है, जब आप इक्वेशन को इस फॉर्म में देखते हैं आपको लगता है इक्वेशन दो हैं और अननोन तो तीन है, लेकिन जब आप इसे इस फॉर्म में देखते हैं बेसिकली ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है इस एच डैश मैट्रिक्स की, मैं इसे एच डैश कह रहा हूँ, ये एच डैश नहीं है, बेसिकली एच डैश के मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग डिजेनरेट स्टेट्स के बीच में, बट मैं इसे सिंपली एच डैश मैट्रिक्स कहूँगा आगे। एच डैश मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, तो अगर केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी होती है उस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप आइगन वैल्यू भी निकाल लेते हैं और आइगन वेक्टर्स भी निकाल लेते हैं। एनर्जी का करेक्शन ये एच डैश वाली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपको निकालनी है, ओके, और अल्फा बीटा इसके आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ओके। दिस ये आइगन वैल्यू इक्वेशन का स्ट्रक्चर है, एच डैश मैंने इसको शॉर्ट में एच डैश कह रहा हूँ, एच डैश किसी कॉलम पे एक्ट करे, आइगन वेक्टर पे एक्ट करे, आइगन वेक्टर मल्टीप्लाइड आइगन वेक्टर वापस मल्टीप्लाइड बाई EN1, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें करना यही है, डिजनरेट केस में हमें एक्चुअली इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना है, ओके। इनफैक्ट अगर आप इस अल्फा बीटा को सप्रेस करें, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायगोनल के अलोंग माइनस लैम्डा इंट्रोड्यूस करते हैं, लैम्डा क्या होती है, आइगन वैल्यू, यहाँ पे जिस वैल्यू में हमारा इंटरेस्ट है वो EN1 है, तो माइनस लैम्डा करके ये वही डिटर्मिनेंट तो बनने वाला है जिसको हम जीरो के बराबर सेट करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, तो दैट इज़ द स्टोरी। यहाँ केवल दो इक्वेशंस क्यों मिली, दो डिजेनरेसी 2-fold थी, अगर डिजेनरेसी 3-fold होती आपको 3 इक्वेशन मिलती, अल्फा बीटा गामा 3 अननोन होते, स्टार्टिंग स्टेट में 3 अननोन होते, लेकिन तब आपकी जो ये बनती आइगन वैल्यू इक्वेशन ही, पर वो बनती 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स की, ये 3x3 की मैट्रिक्स होती, अल्फा बीटा गामा 3 कोफिशिएंट्स, एनर्जी का करेक्शन आइगन वैल्यू अल्फा बीटा गामा। इन जनरल आपको ये इक्वेशन किस टाइप की मिलेगी, ये इक्वेशन इस समय मिली 2-dimensional एच डैश मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करनी है, अगर डिजेनरेसी 3-fold होती 3-dimensional, D4 डीजेनरेसी होती तो D-dimensional, ओके, दिस। लेकिन जब आप किसी आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसी मैट्रिक्स की, माना 2x2 की सॉल्व करते हैं, तो आपके आइगन वैल्यू का एक आंसर थोड़ी मिलता है, या आइगन वेक्टर का एक आंसर थोड़ी मिलता है, एक साथ आपको दो आंसर मिलते हैं। 3x3 की होती है तो 3 आंसर, 3 पेयर्स, 4x4 की होती है 4। इक्वेशन तो यही है, ये मैट्रिक्स नोन है, लेकिन जब आप किस किस की आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो EN1 के आपको दो आंसर मिलेंगे, और अल्फा बीटा आइगन वेक्टर जो है उसके भी दो आंसर, मतलब सेम मैट्रिक्स के दो पेयर्स हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के। तो अब मेरा इस फिगर में जो मिसिंग पार्ट था वो EN1 जो करेक्शन है एनर्जी का, इस स्टेट से कितनी एनर्जी चेंज हुई पर्टर्बेशन के बाद, उस एनर्जी के दो आंसर है। उस दूसरे आंसर को माना मैं नीचे की ओर दिखाता हूं, नीचे का मतलब ये नहीं है एनर्जी कम होगी, वो सेंस नहीं है, अलग ये EN1 का डैश माना,
जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आप ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स को सॉल्व करते हैं और ए माना टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है तो लैम्डा के दो आंसर मिलते हैं, और ए अगर थ्री क्रॉस थ्री है तो लैम्डा के तीन आंसर मिलते हैं, लैम्डा मतलब ई एन वन। इस पर्टिकुलर केस में, टू बाई टू केस में, ई एन वन के आपको दो आंसर मिलेंगे। माना पहले आंसर को तो मैं ई एन वन ही कह रहा हूँ और दूसरे आंसर को ई एन वन डैश, एनर्जी के दो करेक्शन हुआ क्या? अरे यहाँ एक स्टेट थोड़ी थी, यहाँ दो स्टेट्स थी, डीजनरेसी के कारण दो इंडिपेंडेंट स्टेट सेम एनर्जी लेवल पे लाई कर रही थी। पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद एक का एनर्जी करेक्शन कुछ हुआ वो कहीं शिफ्ट हो गई, और दूसरे का एनर्जी करेक्शन कुछ और हुआ वो कहीं और शिफ्ट हो गई। ये जो दो आपको आइगन वैल्यू मिलेंगी लैम्डा वन लैम्डा टू, या यहाँ पे ई एन वन और ई एन वन डैश माना, ये बेसिकली क्या है? अब वो जो दो नई स्टेट्स हैं पर्टर्बेशन के बाद, उनकी एनर्जी बराबर नहीं है। एक ने इतना करेक्शन पकड़ा और वो यहाँ पहुँच गई, और दूसरे ने इतना करेक्शन पकड़ा और वो यहाँ पहुँच गई। दोनों में करेक्शन की वैल्यू क्या है? अलग अलग। और ये दोनों स्टेट्स, हमने सवाल इस तरह से किया था, ये स्टेट किसी खास अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन से बनेगी, और उसी तरह से ये स्टेट जो है ये किसी खास दूसरे अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेगी। आर्बिट्री वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ना आप इस स्टेट पे पहुंच पाओगे ना इस स्टेट पे, आपके आंसर्स इन्फिनिटी टाइप के बनेंगे, नॉट वेल डिफाइंड। तो अब आपके एनर्जी के दो आंसर्स हैं, मतलब दो फाइनल स्टेट्स हैं, तो ये दो फाइनल स्टेट्स आप पर्टर्बेशन ऑफ करने के टर्म में सोचिए, ये फाइनल स्टेट हम कैसे पहुंचे होंगे? इस तरह का एक स्टेट रही होगी लेकिन अल्फा और बीटा की कोई डेफिनेट वैल्यू रही होगी, फॉर एग्जांपल अल्फा बराबर 0.2 और बीटा बराबर 0.6। लेकिन ये वाली स्टेट कैसे पहुंचे होंगे? अल्फा और बीटा के किसी और कॉम्बिनेशन से, जैसे अल्फा बराबर 0.9 और बीटा बराबर 0.1। और ये अल्फा बीटा कहां से पता लग रहे हैं? जब ये आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इसके साथ ये आइगन वेक्टर्स भी तो मिलेंगे। तो जब हम इस 2x2 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके आइगन वेक्टर और एनर्जी मिलते हैं, पर आपको इस समय उसके दो आंसर मिलेंगे, मतलब आइगन वेक्टर का एक सेट, एनर्जी का एक आंसर। एनर्जी के फर्स्ट आंसर को मैंने ई एन वन ए लिखा है और दूसरे आंसर को ई एन वन बी, जैसे हम लैम्डा वन लैम्डा टू लिखते हैं एनर्जी के दो आंसर। अब वन इंडेक्स तो पहले ही करेक्शन के लिए यूज हो रखा है तो इस पर एक और वन लगाना ठीक नहीं था, मैंने एक आंसर को ई एन वन फर्स्ट आंसर ए आंसर ई एन वन बी आंसर दो आंसर, और इनके करस्पॉन्डिंग के आइगन वेक्टर्स भी आपको अलग अलग मिलेंगे। माना एक आइगन वेक्टर है अल्फा वन बीटा वन और अल्फा टू बीटा टू, तो ये आपको करना है। वी गेट टू करेक्शंस ई एन वन, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खाली छोड़ रखा है जिस ब्रैकेट के अंदर मैंने ए और बी लिखा था, वो आपको ई एन वन के दो आंसर मिल रहे हैं एंड टू पॉसिबल स्टार्टिंग ऑर्थोगोनल स्टेट्स। दो स्टार्टिंग स्टेट्स, अल्फा बीटा की वैल्यू ही आपकी स्टार्टिंग स्टेट को डिफाइन करती है। माना अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा वन बीटा वन मिली तो आपको पता लग गया, अच्छा ये वाला एनर्जी करस्पॉन्ड करेक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग स्टेट कौन सी थी? अल्फा वन टाइम्स दिस प्लस बीटा वन टाइम्स दिस, जबकि दूसरा करेक्शन ई एन वन डैश या ई एन वन बी मैंने जिसे लिखा है अगले पेज पे, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा की और बीटा की वैल्यू अल्फा टू बीटा टू। तो ये वाली स्टेट कहाँ से उपजी, कहाँ से स्टार्ट की? अल्फा टू और बीटा टू वाले कॉम्बिनेशन से। तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड इन दिस केस दिस। और ये दो स्टेट्स जो हैं ये स्टिल आपस में ऑर्थोगोनल होंगी, ये हम एग्जांपल में देख लेंगे। ओके, टू पॉसिबल स्टार्टिंग ऑर्थोगोनल ड्यू टू एच डैश, ये स्टार्टिंग स्टेट्स दोनों क्या होंगी? ऑर्थोगोनल। क्यों होनी चाहिए ऑर्थोगोनल? ओके, लेट मी डिस्क्राइब। ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये एच डैश जिसे मैं कह रहा हूँ, वैसे एच डैश नहीं है, ये एच डैश के मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं, पर ये उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये जो होगी ये मैट्रिक्स आपकी हर्मिशियन बनेगी, और हर्मिशियन मैट्रिक्स के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल। वही वाली थ्योरम जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, अगर ये हर्मिशियन है और ऐसा होगा एच डैश के हर्मिशियन होने के कारण ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये भी हर्मिशियन होगी, ये एच डैश मैट्रिक्स नहीं है, ये एच डैश के मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं, बट ये मैट्रिक्स भी क्या होगी? हर्मिशियन होगी। इसकी हर्मिटिसिटी के कारण आपको ई एन वन के जो दो अलग अलग आंसर मिले, उन दो आंसर्स के करस्पॉन्डिंग के जो आइगन वेक्टर्स हैं ये और ये आपस में क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। तो स्टार्टिंग स्टेट, तो अब आपका आंसर इस तरह से है, थिंक दिस वे, यहाँ दो स्टेट्स थी, बाद में एनर्जी करेक्शन दो अलग अलग मिले, एक ई एन वन ए के बराबर, एक ई एन वन बी के बराबर। बेसिकली ई एन वन ए क्या है? ये जो आपको दो आइगन वैल्यू सॉल्व करके मिलेंगी वो एच डैश की आइगन वैल्यू इक्वेशन की। और ये स्टार्ट कहाँ से हुई? ये वाली स्टेट ने स्टार्ट किया होगा अल्फा वन टाइम्स एन जीरो प्लस बीटा वन टाइम्स एन जीरो से।
जबकि इस वाली स्टेट ने स्टार्ट किया होगा अल्फा टू टाइम्स एन जीरो प्लस बीटा टू टाइम्स एन जीरो से। स्टार्टिंग में इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम रही होगी, इन दोनों की एनर्जी ई एन जीरो, लेकिन पर्टर्बेशन अप्लाई होने के बाद ये डीजनरेसी ब्रेक हो गई। अब इसका एनर्जी लेवल यहाँ सेट हो गया, उसमें करेक्शन ई एन वन ए आया और इस वाले में एनर्जी करेक्शन ई एन वन बी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। तो आपको करना क्या है, रिमेंबर दिस, ये डीजनरेट स्टेट का एनर्जी करेक्शन निकालने के लिए, या स्टार्टिंग स्टेट भी अगर आप पता करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट एक बार आपकी पकड़ में आ गई तो फिर आप नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी के रिजल्ट को फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कहीं तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे अल्फा और बीटा अगर पता लग गए, और अल्फा बीटा पता लग जाएंगे, यहां से इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करो, स्टार्टिंग स्टेट आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो दिस इज हाउ वी डू थिंग्स हियर। तो ई एन वन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन को आप यहां से भी समझ सकते हैं, इसके बाद का जो मैं काम कर रहा हूं। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का एक सबसे आसान तरीका है, अल्फा बराबर जीरो और बीटा बराबर जीरो रख दो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। पर उस आंसर को हम कहेंगे ट्रिवियल आंसर, ये आंसर तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं। मुझे अल्फा और बीटा के दोनों नॉन जीरो हों, कम से कम एक नॉन जीरो हो, ऐसा आंसर चाहिए। तो उस आंसर की कंडीशन क्या होती है, ये इक्वेशन है इसके राइट हैंड साइड में जीरो है, होमोजीनियस इक्वेशन, दो वेरिएबल्स में एक होमोजीनियस इक्वेशन हो तो उसका नॉन ट्रिवियल आंसर की कंडीशन ये होती है, कोफिशियंट्स अल्फा और बीटा के ये कोफिशियंट्स हैं, कोफिशियंट्स की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, जीरो। कोफिशियंट्स की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, जीरो। ये वही चीज़ है जो आप आइगन वैल्यू निकालने के लिए यही टेक्निक तो करते हैं, एच डैश वाली मैट्रिक्स में डायगोनल के अलॉन्ग माइनस लैम्डा लाए, किसी भी लैंग्वेज में आप कहें ये इस इक्वेशन को देखें, ये नंबर्स हैं एच डैश वाले सारे नंबर्स हैं। ई एन वन एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो कि अननोन है, नंबर माइनस ई वन नंबर माइनस ई एन वन दिस। आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ई एन वन का फैक्टर दो बार आ रहा है, ई एन वन स्क्वायर में आपको एक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ई एन वन के दो आंसर आते हैं। अगर मेरा डीजनरेसी थ्री फोल्ड होती तो ये डिटरमिनेंट थ्री बाई थ्री का बनता, यहाँ पे सम नंबर माइनस ई एन वन, दूसरा डायगोनल एलिमेंट सम नंबर माइनस ई एन वन, तीसरा एलिमेंट सम नंबर माइनस ई एन वन। आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते आपको क्यूबिक ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल मिलता, क्यूबिक ऑर्डर का मतलब ई एन वन के तीन आंसर। अगर आपकी डिजनरेसी थ्री फोल्ड है, तीन लेवल्स एक साथ हैं, तो पर्टर्बेशन अप्लाई होने के बाद उनकी एनर्जी का करेक्शन अलग अलग हो सकता है, और तीन अलग अलग लेवल्स, मैं अभी भी हो सकता है बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पर्टर्बेशन के बाद भी उनका एनर्जी करेक्शन बराबर बने और दो या तीन लेवल अभी भी साथ हों। माना आपके दस लेवल्स एक साथ थे, टेन फोल्ड डिजनरेसी थी, पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद हो सकता है पाँच की एनर्जी एक जैसी बन गई और बाकी पाँच की एनर्जी एक जैसी बन गई, तो अभी भी डीजनरेसी कुछ हद तक बरकरार है, तो ऐसा भी हो सकता है, बट वो कैलकुलेशन से पता लगेगा डीजनरेसी है या नहीं। ये जो डिटरमिनेंट जिसको सॉल्व करके हम एनर्जी करेक्शन निकालेंगे, मैं यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं निकालूंगा एग्जांपल्स में, हम केवल एनर्जी करेक्शन निकालेंगे डीजनरेट केस में, केवल ये डिटरमिनेंट बनाओ, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, यहाँ से आपको ई एन वन का आंसर मिल जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट को हम कहते हैं सेक्युलर डिटरमिनेंट। सेक्युलर का मतलब क्या है, इट टेक्स केयर ऑफ ऑल करेक्शंस एट वंस। शुरू में जब मैंने ये फिगर बनाया, मैंने आपको केवल एक एनर्जी करेक्शन दिखाया, पर बाद में पता लगा अरे ये तो आइगन वैल्यू इक्वेशन है, इसके तो ई एन वन के अगर दो आंसर आने हैं दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तीन आने थ्री फोल्ड डिजनरेसी में तीनों एक साथ, तो वो सारे के सारे आंसर, ये वाला और ये वाला और ये वाला, जितने एनर्जी करेक्शंस हैं सारे के सारे केवल इस डिटरमिनेंट को एक बार बना के आ जाएंगे। तो दिस इज सिक्योर, ये सारे एनर्जी वैल्यूज़ के करेक्शंस का ध्यान रखता है, दिस इज सिक्योर डिटरमिनेंट। ओके, और जो मैं कह चुका हूँ, अगर ये वाला डिटरमिनेंट बनेगा तो ई एन वन स्क्वायर टर्म मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है ई एन वन में, तो ये मतलब इसका मतलब क्या है, दो रूट्स, दो रूट्स मतलब आपको ई एन वन के दो आंसर मिल रहे हैं। दो आंसर का क्या मतलब है, एनर्जी शिफ्ट दो तरह का हो रहा है, तो जिसको मैं ये दिखा रहा था, एक ये और ये। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये मतलब नहीं है कि एक लेवल ऊपर गया और एक लेवल नीचे गया एनर्जी में, हो सकता है दोनों ऊपर शिफ्ट हुए हों या दोनों नीचे शिफ्ट हुए हों, लेकिन बस सिंबॉलिक था कि एक का एनर्जी करेक्शन कुछ है और दूसरे का एनर्जी करेक्शन कुछ और है। ओके, तो ये जो ई एन वन के दो आंसर हैं ये आपको दोनों होते हैं। तो हो सकता है अगर एनर्जी शिफ्ट के दो आंसर अलग अलग हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ई एन वन ए और ई एन वन बी, ये दोनों भी फिर से बराबर हो सकते हैं। आप इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने निकले और यहाँ भी आपको डीजनरेसी दिख गई, डीजनरेसी दिखने का मतलब ई एन वन के दोनों आंसर बराबर, ऐसा भी हो सकता है। अगर ई एन वन के दोनों आंसर बराबर हो गए तो करेक्शन हुआ, लेकिन दोनों के करेक्शन क्या हैं, बराबर हैं। दोनों के करेक्शन बराबर होने का मतलब बाद में भी पर्टर्बेशन के बाद भी दोनों स्टेट्स क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो लेकिन अभी हम ये एज्यूम करें,
कि एनर्जी के आंसर दोनों अलग अलग हैं, एनर्जी करेक्शन के आंसर, तो हम कहेंगे अब हमारी डिजेनरेसी क्या हो चुकी है, लिफ्ट। डिजेनरेसी लिफ्ट होने का मतलब पहले बहुत सारे स्टेट्स एक साथ चिपकी हुई थी, एनर्जी के लिहाज से कह रहा हूँ, एनर्जी पे एक साथ लेवल हुई थी, अब वो स्प्रेड होके अलग अलग हो चुकी हैं। ये पहले ई एन पे आपकी एन नॉट भी था और कैपिटल एन नॉट भी था, और इन जनरल अल्फा एन नॉट प्लस बीटा एन नॉट, ये सब की एनर्जी सेम थी। पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद एक का एनर्जी करेक्शन बना ई एन वन ए और वो यहाँ पहुँच गया, और दूसरे का एनर्जी करेक्शन ई एन वन बी वो यहाँ पहुँच गया। अब दो डिस्टिंक्ट स्टेट्स, डिस्टिंक्ट क्यों कह रहे हैं, एनर्जी वैल्यू अलग अलग है, तो डीजन इसे हम कहेंगे, अगर ऐसा हुआ इसे हम कहेंगे द डीजनरेसी हैज़ बिन लिफ्टेड, डीजनरेसी खत्म हो चुकी है। ओके अच्छा, ये तो टू डायमेंशनल केस था। टू डायमेंशनल केस में भी जो ये मैट्रिक्स मेरी बनी, ये वाली डिटर्मिनेंट, इसमें ई एन वन को थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाओ, इसकी एंट्रीज क्या क्या हैं, एच डैश का एलिमेंट एन और एन के बीच, एच डैश का एलिमेंट एन और कैपिटल एन के बीच, एच डैश का एलिमेंट कैपिटल एन स्मॉल एन, एच डैश का एलिमेंट कैपिटल एन कैपिटल। इसको मैं इस तरह से अरेंज कर सकता था, जो मेरे डीजनरेट कैट्स थे स्टार्टिंग में, दो कैट्स जो थे जो हमने आपस में ऑर्थोनॉर्मल ले लिए थे, एक स्मॉल एन जीरो और कैपिटल एन जीरो, उनको कॉलम में भी लिखा मैं, एक अभी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूँगा, ये उस मैट्रिक्स के कॉलम्स का नाम या नंबर है और ये उनके रोज का नाम, वही स्मॉल एन जीरो कैपिटल एन जीरो स्मॉल एन जीरो कैपिटल एन जीरो, उसी ऑर्डर में यहाँ और यहाँ लिख दिया। ओके ये ऐसा ही है जैसे आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं, वन 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 टू वन थ्री एलिमेंट्स लिखते हैं, वही है वन टू, पहला इसको माना, दूसरा इसको माना, पहला इसको माना दूसरा। तो यहाँ वाला जो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये वाला एच डैश किसके बीच, एन और एन के बीच, एच डैश एन और एन के बीच, ये रो की नंबरिंग है कॉलम की, एच डैश एन एन, एच डैश रो कॉलम, ये वाला एलिमेंट एच डैश लेकिन किसके किसके बीच, रो कॉलम, रो स्मॉल एन और कॉलम कैपिटल एन, ऐसे ही ये वाला एलिमेंट रो कैपिटल एन कॉलम स्मॉल एन, और फाइनल वाला एलिमेंट रो भी कैपिटल एन दिस। तो ये एच डैश के जो चार एलिमेंट्स हैं ये सिंपली इस तरह से, अगेन रिपीट करूंगा, आपके जो डीजनरेट वाली स्टेट्स हैं उसके आइगन कैट्स आपने जो ऑर्थोनॉर्मल एक बार पिक कर दिए हैं उन्हें इस तरह से अरेंज किया। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है मैं पहले इसको और पहले बाद में इसको लेता, आप इनको किसी भी ऑर्डर में ले सकते थे, पर जो ऑर्डर यहाँ लिया है वही ऑर्डर यहाँ लिया। अब एच डैश का मैट्रिक्स एलिमेंट इसको रो की नंबरिंग का इंडेक्स मानते हुए और इसको कॉलम का इंडेक्स मानते हुए एच डैश का वो एलिमेंट लिख दो, एच डैश एन एन, ये वाला एच डैश स्मॉल एन कैपिटल एन, ये वाला एच डैश कैपिटल एन स्मॉल एन, और लास्ट वाला एच डैश कैपिटल एन कैपिटल एन। एच डैश की एंट्री आ गई, डायगोनल के अलोंग माइनस लैम्डा जो रखते हैं, माइनस लैम्डा के बजाय इस समय एनर्जी करेक्शन है, माइनस ई एन वन माइनस वन, ये डिटरमिनेंट तो है, सेक्युलर डिटरमिनेंट बनाने का तरीका ये है। ओके और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा नोटेशन चेंज करूँ, क्योंकि अब मैं टू फोल्ड डीजनरेसी की बजाय जनरल रिजल्ट आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, पुराने नोटेशन में हम वन नॉट टू नॉट थ्री नॉट एन नॉट अनपर्टर्ब्ड वाले आइगन कैट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब की बार मेरा पूरा ध्यान केवल किसी nth लेवल पे है जो कि जिसमें डीजनरेसी है, मैं बाकी लेवल्स पे इस समय ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन में कहीं बाकी लेवल्स के आइगन कैट्स की बात नहीं हो रही है, आप केवल एक एनर्जी ई एन जीरो उसके करस्पॉन्डिंग डीजनरेसी टू फोल्ड थी, उसके जो दो आइगन कैट्स हैं वहीं से बनाए सब कुछ। तो अगर माना मैं मेरे सिस्टम में कोई पर्टिकुलर लेवल 26th लेवल डीजनरेट था और कितनी डीजनरेसी थी डी फोल्ड, अगर उसके आइगन कैट्स को मैं सिंपली ऐसे लिखूँ, ये अनपर्टर्ब्ड या पर्टर्ब्ड वाला सेंस भूल जाएं, नॉर्मली मैं इस तरह का नोटेशन वैसे फाइनल वाले आइगन कैट्स के इस्तेमाल कर रहा था, पर इस समय मैं नोटेशन थोड़ा अगर चेंज करूं, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के आइगन कैट्स जो हैं, जो वाला लेवल डीजनरेट है, ये पता नहीं ये लेवल डीजनरेट है या नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसमें नहीं है, इसमें ये पर्टिकुलर लेवल, मैं इस लेवल के लिए एनर्जी के करेक्शंस निकालना चाहता हूं। अब मैं करेक्शंस कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे करेक्शन होंगे, अगर ये डिफॉल्ट डीजनरेट हैं तो एनर्जी के आपको करेक्शंस के डी आंसर मिलेंगे। यहाँ जो आप अपना ऑर्थोनॉर्मल सेट ले रहे हैं उसके स्टार्टिंग वाले कैट्स का नाम माना ये है 1 2 3 4 एंड अप टू, स्टार्टिंग नहीं बोलना चाहिए, जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो ये है। तो अब इस समय जो सेक्युलर डिटरमिनेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, कॉलम में 1 2 3 डी तक इन्हें अरेंज करो, रो में भी अरेंज करो 1 2 3 उसी ऑर्डर में, पहला एलिमेंट जो होगा एच डैश का मैट्रिक्स एलिमेंट 1 और 1 के बीच, एच डैश 1 1, दूसरा एलिमेंट एच डैश का मैट्रिक्स एलिमेंट 1 और 2 के बीच, रो कॉलम एच डैश 1 2, अगला एच डैश 1 3, लास्ट वाला इस टॉप मोस्ट रो में एच डैश 1 डी, ऐसी अगली रो में
रो का इंडेक्स 2 हो चुका है, 21 एच डैश 21 22 23 2d एंड सो ऑन होते थे। लास्ट वाला रो का इंडेक्स डी हो चुका है, पहली एंट्री d1 एच डैश d1, नेक्स्ट एच डैश d2 एच डैश d3 और डायगोनल के अलोंग माइनस लैम्डा एक्चुअली कितना है en1, एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन, उसे यहाँ ले आओ, ये डिटर्मिनेंट बना, इसे 0 के बराबर सेट कर दो, ये हो गया आपका सेक्युलर डिटर्मिनेंट। अगर डी डायमेंशनल डीजनरेसी है, डी फोल्ड डीजनरेसी है, तो ये मैट्रिक्स बनेगी डी क्रॉस डी की, और डी क्रॉस डी की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको आइगन वैल्यू के डी आंसर्स मिलेंगे, एनर्जी के उतने ही करेक्शंस जितने आपकी डीजनरेसी है। तो ओरिजिनल आंसर में हर एक करेक्शन को ऐड करो तो आपको नया आंसर मिलेगा। कुल कितने नए आंसर मिलेंगे? डी नए आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस केस। ओके, बाकी जब हम इसका एग्जांपल करेंगे ये चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी। ये करना बहुत आसान है, इट इज़ नॉट टफ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया। एक सुपरपोज स्टेट भी आपकी आइगन स्टेट की तरह काम कर सकती है, और हम कौन सी वाली स्टेट को चूज़ करेंगे वो ये आइगन वैल्यू रिलेशन आपको बताएगा। ओके, सो दिस विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन डीजनरेट और डीजनरेट केस दोनों के लिए बेसिकली हम केवल एनर्जी करेक्शन निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, एनर्जी करेक्शंस निकालेंगे फॉर द ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, जो हम हाइड्रोजन एटम के लिए डील करेंगे उसको हम डील करेंगे, तो वो बेसिकली पर्टर्बेशन थ्योरी का हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा। सो दैट कम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीबॉडी।